गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ उमा पालीवाल फ्रॉम वर्धमान कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। लास्ट वीडियो में हमने रीड किया था माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स फ्रेंड एंड फूड, जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना। हमने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, है ना, एंड वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स लिव, है ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है वे कहाँ रहते हैं, है ना। अब हम रीड करेंगे एक एक्टिविटी। सो टेक अ 500 मिलीलीटर बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विथ वाटर, है ना। एक 500 मिलीलीटर का आपको एक बीकर लेना है, उसमें 3/4 विथ वाटर से फिल करना है, ना। डिसॉल्व 2 to 3 टीस्पून्स ऑफ शुगर इन इट, आपको उसके अंदर क्या करना है, 2 to 3 टीस्पून शुगर मिक्स करनी है ना। एड 1/2 स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर टू द शुगर सॉल्यूशन, है ना, और उसमें आपको 1/2 स्पून क्या करना, यीस्ट पाउडर डालना है, ओके। अब कीप इट कवर्ड इन अ वॉर्म प्लेस फॉर 4 to 5 hours, आपको क्या करना है, आप इसको कि 4 to 5 hours तक एक वॉर्म प्लेस पर इसको कवर्ड करके रखना है ना। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, अब जो सॉल्यूशन मिला है ना उसको स्मेल करो, कैन यू गेट अ स्मेल। अगर आप इसको स्मेल करेंगे ना तो आपको इसमें से एल्कोहलिक स्मेल आएगी, है ना, क्योंकि हमने इसमें क्या मिक्स किया था, यीस्ट, है ना। आप देखेंगे कि जब भी हम यीस्ट और शुगर को मिक्स करते हैं, है ना, जब भी हम यीस्ट और शुगर को मिक्स करते हैं तो वो क्या बन जाता है, एल्कोहलिक स्मेल देता है ना। दिस इज़ द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इन टू एल्कोहल बाई यीस्ट, है ना। ये किसने कन्वर्ट किया है इसको एल्कोहलिक स्मेल में, यीस्ट ने कन्वर्ट किया है, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इन टू एल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन, ओके। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। वेन एवर यू फॉल ईल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स, है ना। जब भी आप बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या देते हैं, सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं, है ना, कैप्सूल्स देते हैं और इंजेक्शन देते हैं, ओके। दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज केसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, है ना। जो वो टैबलेट्स रहती है या जो भी मेडिसिन देते हैं वो आपको, वो क्या करते हैं, आपकी जो बीमारी होती है, जो भी आपकी डिसीज़ होती है ना, उसको रोकती है। सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, है ना। जो ये मेडिसिन बनी होती है किससे बनी होती है, एंटीबायोटिक्स से। एंटीबायोटिक्स क्या होता, एंटीबायोटिक्स किससे बनते, बैक्टीरिया से, है ना। तो हमें पता है बैक्टीरिया, हमने रीड किया था बैक्टीरिया किससे कहते हैं हम, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को। तो इस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो हमें मेडिसिनल यूज़ भी देते हैं, ओके। मेडिसिनल यूज़ में भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म ही यूज़ होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ वैक्सीन। व्हाई आर चिल्ड्रन इन फैक्ट्स गिवन वैक्सीनेशन, है ना। जो चिल्ड्रंस रहते हैं, जब हम छोटे बच्चे रहते हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन क्यों किया जाता है ना। व्हेन अ डिसीज़ कैरिंग माइक्रोब्स इंटर्स अवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। क्या होता है कि जब भी कोई डिजीज़ होती है ना, वो हमारी बॉडी पर जब अटैक करता है, ठीक है, जब भी कोई माइक्रोब्स हमारी बॉडी में इंटर करता है, तो जो हमारी बॉडी होती है ना, वो क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है ना। जिससे क्या होता है, जब वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है तो वो क्या होते हैं, जो माइक्रोब्स आते हैं, है ना, जो डिजीज़ आती है उससे फाइट करने में हेल्प मिलती है, ओके। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट इंटर्स अगेन, है ना। और बॉडी को ये भी रिमेंबर होता है कि अगर ये माइक्रोब्स हमारी बॉडी में फिर से एंटर करेंगे तो हमें क्या कैसे फाइट करनी है ना। इफ डेड और वीकन माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन टू अ हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स द किल्स द इन्वेंटिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज, है ना। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर, दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क्स, है ना। तो जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी, वो कैसे प्रोड्यूस करेगी, तो जो बचपन में हमें जो वैक्सीनेशन दिया जाता है ना, जो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती है ना, बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए लगाई जाती है वो, है ना। तो वो जो वैक्सीन लगाई जाती है वो क्या करती है,
वो बॉडी में जो आने वाली जो प्रॉब्लम्स रहती है उनसे फाइट करने में हेल्प करती है. इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज, है ना. जब आप छोटे थे तो आपके चाइल्डहुड में आपको भी ऐसे इंजेक्शंस लगे होंगे, है ना. आपको भी इंजेक्ट किया होगा, है ना, प्रोटेक्ट यूर सेल्फ, है ना, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. जो भी डिजीजेज आती है ना, जो भी बीमारियाँ आती हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए इंजेक्ट किया जाता है. इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीज. नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल, है ना. ये बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए आने वाली बीमारियों से. आपने देखा होगा कि पोलियो प्रोग्राम भी चलाया जाता है ना छोटे बच्चों के लिए, उनको पोलियो के ड्रॉप्स पिलाई जाती है. पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन, है ना. वो क्या काम करती है, एक वैक्सीन का काम करती है ना, जिससे अगर इन फ्यूचर बच्चे को कोई बीमारी आती है तो उसकी जो बॉडी रहती है वो क्या करती है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है जो उस डिसीज से, उस बीमारी से लड़ने में उसकी हेल्प करती है ना. These days vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. Okay, तो इसलिए बच्चों को वैक्सीनेशन किया जाता है ना, ताकि उन्हें कोई भी डिसीज इन्फेक्ट ना कर सके, है ना. और अगर उनके अंदर कोई डिसीज आती है, उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है इन फ्यूचर, तो उनकी बॉडी उससे लड़ने में सक्षम हो, है ना, उनसे फाइट करने में. ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है ना. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का रीड करेंगे. ओके.